बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम अपने हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज अर्ली इन्वेडर्स, यानी उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि एंशियंट टाइम से बहुत एंशियंट हिस्ट्री से हम जो है सब कॉन्टिनेंट पे जिन आउटसाइडर्स ने अटैक किया और यहाँ की सिविलाइजेशन और सबको डिस्ट्रॉय किया और यहाँ सम टाइम स्टे किया और सम टाइम वो वापस चले गए। तो उन तमाम जो बड़े इन्वेडर थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन पे बहुत डीप इम्पैक्ट डाला, हम ग्रेजुअली वन बाई वन करके उन बड़ी जो इन्वेडर्स थे और उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर अर्ली पाकिस्तान में क्या पढ़ा था, उसमें पूरी मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि यहाँ की कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और कितनी डेवलप थी। उसके दो बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और दूसरे थोड़े जो छोटे शहर जो सिटीज थे या विलेजेस थे जो अभी तक अनडिस्कवर हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा था किस तरह वो सिविलाइज थे और किस तरह उनके जो सिटीज बिल्कुल मैप की सूरत में एक प्लानिंग की सूरत में बने हुए थे, वो क्या क्या करते थे, उनको रूल कौन करता था, उनकी क्रॉप्स कैसी थी, उनकी रहते कैसे थे, वो तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा। और फिर वो सिविलाइजेशन जो थी वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हुई, उसके बारे में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने ये गैस किया और ये रीजन बताया कि यहाँ पे मे बी कोई अर्थक्वेक आया हो या किसी जो रिवर ने अपना जो है वो कोर्स चेंज किया और शहर से बहुत दूर हो गया। पहले मोहनजोदड़ो जो था वो बिल्कुल रिवर के साथ होता था, उनकी ट्रेडिंग होती थी, जो उनकी क्रॉप्स वगैरह कॉटन होती थी उसका फैब्रिक बनते थे और फिर वो यहाँ से ट्रेडिंग करते थे। तो वो रिवर बहुत दूर हो गया, उनकी जो है वो इरिगेशन सिस्टम जो था क्रॉप्स का वो डिस्ट्रॉय हुआ, मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ, ये सारे रीजन उन्होंने बताए और इस तरह से वो सिटी डिस्टर्ब। एक बहुत बड़ा रीजन जो ये बताया गया कि वो कोई आउटसाइड इन्वेडर्स भी आया हो जिसने इस पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पढ़ा था कि बहुत ही पीसफुल लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अपना बिजनेस करते थे, क्रॉप्स करते थे और प्रेस करते थे बहुत ही पीसफुल तरीके से, वो सेंचुरीज से रह रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन। फिर अचानक ये जो पीसफुल एक स्टोरी चल रही थी वहां पे टर्न आया। टर्न क्या आया, अ न्यू रेस केम इनटू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1500 BC में, यानी 1500 BC में एक न्यू रेस नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से इंडिया में या इंडस वैली में जो है वो एंटर हुए। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कौन सा एरिया था यानी, और वो सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से इंडिया आने के लिए अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान जो करंट पाकिस्तान है इसके बॉर्डर पे पास हुआ करते थे जिसको हम खैबर पास कहते हैं और गुलाम पास। तो खैबर पास के थ्रू ये जो न्यू रेस है वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुई और इस रेस को क्या कहते थे यानी ये न्यू जो ट्राइब्स या रेस थी इसको क्या कहते थे, दे आर कॉल्ड आर्यन। इस तरह से ये इस पूरे एरिया में 1500 BC में सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए। क्योंकि आर्यांस कौन थे, आर्यांस एक सेंट्रल एशियन रेस थी, ये सारा ट्राइब वहां से आया था, वहां ये क्या नोमैड यानी ये अपने एनिमल्स और फ्लॉक्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जहां भी इनको ग्रासलैंड नजर आती थी ये अपने एनिमल्स और फ्लॉक्स को लेके उस तरफ चले जाया करते थे। ये इनका बेसिकली जो है वो लिविंग स्टाइल था, ये इस तरह से रहते थे जिसको हम नोमैडिक या उर्दू में हम इसको खाना बदोश कहते हैं। वो जहाँ उनके ग्रासलैंड मिलती थी अपने एनिमल्स को लेके ये मूव कर जाया करते थे।
और इसी तरह जो सेंट्रल एशिया में जब सेंट्रल एशिया से जब सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थ्रू खैबर पास या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इसी ग्रासलैंड की इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड की वजह से ये इस एरिया में एंटर हुए। ये लोग जो थे बेसिकली हॉर्सेस यूज करते थे, कैरियर्स उसके साथ होती थी जिसपे कई लोग बैठते थे, और ये वेपन्स यूज करते थे, यानी इनिशियली ये ब्रॉन्ज के वेपन्स यूज करते थे और लेटर ऑन इन्होंने आयरन को यूज करना भी शुरू कर दिया था। इट मींस के हॉर्सेस और कैरियर्स की वजह से बहुत तेज ट्रेवल करते थे, और वेपन यूज करने वाले शायद या रेस जो होती है वो बेसिकली फाइटर हुआ करती थी उस जमाने में, जो कि आयरन जब यूज कर रहे हैं तो वो फाइटर होती थी और लड़ने वाले लोग होते थे। यही आर्यांस की एक सुपीरियरिटी थी इन ड्रेविडियंस, यानी जो लोकल यहाँ के इंडस एम्पायर के लोग जो कहलाते थे, वो एंशंट लोग जो थे वो ड्रेविडियंस कहलाते थे, यानी इन लोगों पे जो सुपीरियरिटी थी वो आर्यांस की वो यही थी कि वो हॉर्सेस यूज करते थे, कैरियर्स पे बैठे होते थे, वेपन्स थे इनके पास, जिसकी एक तो बहुत ही लाइवली और बहुत ही पुरजोश ये कौम थी और बहुत तेज ट्रैवल करती थी, और जब इन्होंने इंडस एम्पायर पे अटैक किया जो उनका मेन सिटी था मोहनजोदड़ो, जब यहाँ पे हमला किया तो बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, उनको स्लेव बनाया और बहुत डिस्ट्रक्शन की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये इलाके से फ्लैक्ट कर गए सब कॉन्टिनेंट के दूसरे इलाकों में, जिसका हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जैसे राजस्थान के इलाकों में या दूसरी जगह के इलाकों में वो मूव कर गए इन लोगों के खौफ से, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही पीसफुल हुआ करते थे, और सबसे जो उनकी जो एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो आर्यां से बहुत इजीली डिफीट हो गए, क्योंकि वो हॉर्सेस को यूज नहीं करते थे, उन्होंने कभी भी हॉर्स को नहीं देखा था, ये ऐसी बात थी कि जब वो हॉर्स यूज नहीं करते थे और उनके यहाँ आयरन का यूज भी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला मोहनजोदड़ो के रियूज से कि वो आयरन यूज करते हैं, ब्रॉन्ज और सम कॉपर के कुछ और सिल्वर और गोल्ड तो यूज करते थे, बट आयरन जैसी मेटल का उनके यहाँ कोई यूज नहीं मिला, यानी वो हॉर्सेस को यूज भी नहीं करते थे, आयरन भी यूज नहीं करते थे, मीन्स कि वो पीसफुल लोग थे, उनके पास वेपन्स भी नहीं थे, और जब वो इन हॉर्सेस पे बैठे हुए लोगों को देखा तो बहुत हैरान हुए होंगे कि कौन लोग हैं जो कि तेजी से उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बड़ी जो लोगों का जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो इनकी तरफ आए, और उन्होंने वही किया जो इस तरह के लोग यानी वेपन्स यूज करने वाले लोग करते हैं, उन्होंने वही किया, इस पीसफुल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, यहाँ से लोग मूव कर गए इंडिया के दूसरे इलाकों में। ये एक मेन कॉज या रीजन बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो के डिस्ट्रॉय होने का। अच्छा, ड्रेविडियंस जो हैं वो जो लैंग्वेज बोला करते थे, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बलोची लैंग्वेज से मिलती जुलती है, मे बी ये पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि जो बलोचिस्तान में जो मेहरगढ़ के रियूंस मिले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराने जो रियूंस है, यानी उसका टाइम जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पहले का है, और वो अपने इलाकों में क्यों मूव हुए जब उन इलाकों में क्लाइमेट चेंज हुआ और क्रॉप्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई, तो वो मूव करके इंडस वैली की तरफ आ गए, यानी इंडस रिवर के इस पूरे जो है प्लेन एरिया में सेटल डाउन हो गए, तो मे बी वो अपनी लैंग्वेज भी इसी अपने साथ लाए हों, ठीक है। तो वो ये भी बहुत बड़ा चांस है कि वो जब ये यहाँ इस एरिया में बलूचिस्तान या मेहरगढ़ से मूव करके यहाँ सेटल हुआ तो वो अपनी लैंग्वेज के साथ रहा, इस तरह से ड्रेविडियंस की जो लैंग्वेज है वो बलोची लैंग्वेज एंशियंट बलोची लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ये हो गया कि वहाँ ये पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया आर्यांस ने, कब्जा कर लिया, यहाँ से बहुत सारे लोग मूव कर गए, उनका मर्डर हो गया और बहुत सारे लोग जो है वो स्लेव बना दिए गए। जब भी कोई इन्वेडर्स या दूसरी सिविलाइजेशन किसी और सिविलाइजेशन में या बहुत सारे कोई ऐसे लोग जो दूसरी सिविलाइजेशन में आते हैं तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट डालते हैं,
और आज्ञात भी अपने साथ बहुत सारी एक ऐसी चीजें लाए थे जो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। एक तो हमने पहले बताया कि वो हॉर्सेज और वेपन्स ये सारे थे, बट वो अपने साथ अपना कल्चर से साथ लेकर आए थे, एक न्यू रिलीजन यानी हिंदुइज्म साथ लाए थे और एक न्यू लैंग्वेज संस्कृत को अपने साथ लाए थे। यानी इन अपना कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज और रिलीजन को जब एक कौम लेके आई हो और वो सुपीरियर भी हो और वो उसने पूरा कंकर डिफीट भी कर दिया हो तो लाजमी तौर पे वो अपना इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ के लोकल जो लोग थे उन पर लाजमी इम्पैक्ट डालेगा, इफेक्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ों का इस तमाम एरिया पे बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आर्यांस यहाँ रहने के बाद नॉर्दर्न इंडिया यानी गैंग्स वैली में चले गए, वहाँ सेटल डाउन हो गए। और जब कोई नेशन या कोई ट्राइब्स कहीं सेटल डाउन होता है हमेशा से एंशिएंट टाइम पे, तो जाहिर बात है जब वो सेटल डाउन होता है तो वो एग्रीकल्चर क्रॉप फार्मिंग इस ये सारे एकोपेशन इनको जो है वो एडॉप्ट करता है ताकि वो सेटल डाउन हो। मूव कर जो लोग करते हैं वो ये सारे काम नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर करने का मतलब है कि वो सेटल डाउन हो गए, सेटल डाउन होना चाह रहे हैं और हो गए। तो यही इन आर्यों से जब नॉर्दर्न इंडिया गैंग्स वैली में गए तो वहाँ सेटल डाउन हुए, वहाँ क्रॉप्स उन्होंने लगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया और उनमें आपस में फार्म लैंड पे कब्जे के लिए जंग भी शुरू हो गई। बिल्कुल ये एक नेचुरल सी बात है, जब एक फार्म लैंड एक कोई अच्छा एरिया फार्म लैंड का होगा तो दूसरा ट्राइब्स उसके अंदर भी बहुत सारे ट्राइब्स होंगे आर्यांस में, वो आपस में जो है वो फाइट करना शुरू कर हो गए। तो ये एक पूरी एक हिस्ट्री है एंशंट इन्वेडर जो फर्स्ट हमारा एंशंट इन्वेडर जो सब कॉन्टिनेंट में अटैक किया दे आर्यांस, उन्होंने इंडस वैली को डिस्ट्रॉय किया और फिर गैंग्स वैली में सेटल डाउन हो गए, वहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स और एग्रीकल्चर शुरू की और आपस में उनकी जो है वो जंगें भी शुरू हुई फार्म लैंड पे कब्जे के लिए। अच्छा जैसे मैंने कहा कि ये पूरे ट्राइब्स आर्यांस जो है नॉर्दर्न इंडिया गैंग्स वैली में सेटल डाउन हो गए और वहाँ पे फार्मिंग शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दी तो और फर्दर वो ईस्ट के और इलाकों पे कब्जा करते चले गए। तो एक बहुत बड़े एरिया पे उनका कब्जा हो गया और उन्होंने अपनी वहाँ पे फार्मिंग बनाई। और मैंने जैसा पहले कहा था कि वो अपने साथ क्या एक न्यू रिलीजन भी लेकर आए, यानी ये बात हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में हमें कोई ऐसे कोई खास रिलीजन क्या था इसके कोई एविडेंस नहीं मिले, लेकिन ये हमें इजीली पता चलता है कि यहाँ के लोग जो आर्यांस यानी हिंदू रिलीजन से पहले के जो लोग ड्राइविडियन थे वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, क्योंकि किसी भी आइडल की कोई एविडेंस नहीं मिला। ये सबसे हैरानगी बात थी कि ये लोग हमें उनकी ये रियूंस से पता चलता है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के कि यहाँ पे कोई भी आइडल वर्शिप का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इट मीन्स कि वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे और हिंदू तो थे ही नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, क्योंकि हिंदू रिलीजन जो है वो आर्यांस का रिलीजन था। जब आर्यांस यहाँ सेटल डाउन हो गए तो फिर उन्होंने हिंदू जो आप मॉडर्न हिंदुइज्म है उसके एंसेस्टर हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी आर्यांस जो है मॉडर्न हिंदुइज्म के एंसेस्टर हैं, क्योंकि वो अपने साथ हिंदुइज्म रिलीजन लेके आए थे और जब वो सेटल डाउन हो गए तो पूरे इलाके में हिंदुइज्म फैलना शुरू हो गया, गवर्नमेंट में थे वो। और ये बात प्रूफ उससे कही जा सकती है कि आर्यांस से पहले यहाँ का रिलीजन जो हिंदुइज्म नहीं था, वो कोई और रिलीजन था, आइडल वर्शिप भी नहीं थी। जब आर्यांस यहाँ सेटल डाउन हो गए तो यहाँ के लोगों को डिफरेंट जो है वो ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों ने अख्तियार कर लिया, यानी कोई एग्रीकल्चर करता था, कोई फैब्रिक बनाया करता था, कोई सोल्जर थे और कोई जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो थे वो खास वही काम किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने इन ऑक्यूपेशन की बेसिस पे चार न्यू कास्ट को जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया कि ये चार जो न्यू कास्ट हैं ये सर्टेन ऑक्यूपेशन करने वाली जो हैं ये कास्ट होंगी, और कोई कास्ट जो थी वो दूसरी कास्ट जिस कास्ट में पैदा होता वो किसी और कास्ट में नहीं जा सकता था। ये एक बहुत ही एक ऐसी उस जमाने में एक डेवलपमेंट थी आर्यांस की
जो आज तक जो है वो एज इट इज चल रही, जो कि आर्यांस ने एक चीज को अपनी गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश किया था, यानी ऑक्यूपेशन चार न्यू कास्ट बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो ब्राह्मीन्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास कहलाए। ब्राह्मीन्स जो थी वो सबसे अपर क्लास थी और प्राइस थे, रिलीजियस लोग जो थे वो ब्राह्मीन्स थे और उनको बहुत ही सुपीरियरिटी अपनी पूरे कास्ट सिस्टम पे हासिल थी। वो जो चाहे जो डिसीजन लेते कर सकते थे और उनकी जो उस वक्त इसी सेटल डाउन ड्यूरिंग देयर सेटल डाउन एक रिलीजियस बुक लिखी गई थी जिसे हम, और इसी सेटल डाउन के दरमियान उनकी एक रिलीजियस बुक लिखी गई और ये उसके कस्टोडियन ठहरे, यानी ब्राह्मीन वो और तमाम जो रिलीजियस जो सबसे इम्पोर्टेंट समझी जाती थी उसको लुक आफ्टर करते थे और ब्राह्मीन सबसे अपर क्लास। अच्छा, इनकी जो सेकंड क्लास थी क्षत्रियास, उसमें किंग, सोल्जर्स और लीडर्स लोग जो आया करते थे, जो सेकंड अपर क्लास थी, जो बड़े हाईएस्ट लेवल के उनकी जो कास्ट सिस्टम है लोग थे, यानी किंग, सोल्जर्स और लीडर, वो उनकी सेकंड क्लास थी। वाइज जो थर्ड कास्ट थी, थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल था, दैट इज वैश्यास, ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर, इस तरह के लोग हुआ करते थे। वाइज जो शूद्रास, इनकी फोर्थ और लास्ट डिवीजन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल था, वो शूद्रास कहलाते थे और इनका काम सर्वेंट और दूसरे जो लोअर लेवल के काम थे वो लोग जो करते थे उनको शूद्रास कहते थे। तो इस तरह से ये इनकी चार कास्ट सिस्टम थी। इसके अलावा एक और लोग थे जो कि इन चार कास्ट सिस्टम से भी नीचे थे, यानी इनमें शूद्रास का तो काम था जो कि स्लेव और बहुत ही खराब काम हुआ करते थे, वो इस ऑक्यूपेशन वाले लोग कहलाते थे। और इसके अलावा एक और कास्ट थी जो इस फोर कास्ट सिस्टम में थे ही नहीं, उनको क्या कहते थे, अनटचेबल, यानी लोग या साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो अनटचेबल लोग जो बेसिकली यहाँ के नेटिव लोग थे, यानी ड्रेविडियन या जो आर्यन से पहले यहाँ लोग रहा करते थे वो लोग थे अनटचेबल। और वो इन चार लोगों से बिल्कुल अलग थे, अलग जगह पे उनको रहा करते थे, वो इनके इलाकों में आ नहीं सकते थे और उनका काम जो थे जानवरों को दबा करना या कत्ल करना था इन चार लोगों को के खाने के लिए, आई थिंक सो। और ये रिलीजियसली बहुत ही खराब काम था, रिलीजियसली कि इस तरह से जानवरों को कत्ल करने से जो है वो उनकी जो नेकियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए इन चारों में से कोई भी ये काम नहीं करता था, वो अनटचेबल के जिम्मे में था वो काम करना और पूरे एनिमल्स की देखभाल करना, उनका जो काव डंग ये और सफाई ये सारा उनका जिम्मा था और जानवरों को कत्ल करना उनका काम था, क्योंकि ये इतने अनटचेबल थे, अगर इनकी जो नेक काम है वो उनके ज़ाया हो जाए तो कोई बात नहीं, एनिमल्स को मर्डर करने के लिए, कत्ल करने के लिए इन चारों की जो नेक काम थे वो ज़ाया हो जाते थे, इसलिए ये लोग नहीं करते थे। तो वो अनटचेबल, यानी जिसको हम उर्दू में अछूत कहते हैं, वो जात थी जो नेटिव यहाँ के लोग थे जो आर्यन से पहले आए थे, और वो उनके साथ वो बे इंतहा बुरा सलूक जो है वो रखा जाता था, जस्ट बिकॉज कि ये लोकल लोग थे और कहीं ये दोबारा से ऊपर ना आ जाए। तो आर्यन ने इस तरह से इन चार सिस्टम के बाद उनको बिल्कुल ही अलग थलग एक जो इंसान जिसका समझे जानवर से भी बुरा हाल था उस तरीके से इन्होंने बना के रखा हुआ था। बहुत दूर रहते थे, इनके इलाकों में वो आ नहीं सकते थे, अगर रास्ता या गुजर होता तो वहाँ से सर नीचे करके और चप्पल वगैरह उतार के वो चलते थे, जो कि आज भी हम इस तरह के कास्ट सिस्टम में देख सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा करते हैं वो, और वो सिस्टम आज तक चलता है। इन्होंने एक लास्ट बताई थी, इनके जो सबसे लास्ट जो थे वो कौन से शूद्रास, और वो अनटचेबल थे। शूद्रास जो खुद बहुत ही अपनी कास्ट सिस्टम में सबसे लोअर कास्ट थी,
वो भी उन अनटचेबल से बिल्कुल गुलामों की तरह शुरू किया करते थे। आप अंदाजा लगाए कि उनका क्या हाल होगा जब शूद्रराज जो खुद एक इन चार कास्ट सिस्टम में सबसे लोअर कास्ट थी और जो सबसे खराब काम किया करते थे वर्कर और लेबर क्लास थी, वो उनसे बिल्कुल जानवरों और स्लेव जैसा सलूक करते थे, कि वो तो फिर जो है वो अनटचेबल का क्या हाल होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुअली जो आर्यांस थे वो जो हिंदुइज्म की रीच करते थे, यानी अपने साथ में हिंदुइज्म लेके आए थे, इनिशियली उनके जो वर्शिप किसकी करते थे, नेचर की, यानी सन मून अर्थ रिवर माउंटेन इन सब की जो है वो वर्शिप किया करते थे। और ग्रेजुअली अभी तक उन्होंने इन सब का, उनके कोई गॉड नहीं थे, उनका नाम नहीं रखा था, बट ग्रेजुअली जो है वो इन सब चीजों के एक गॉड बना के उनके नाम रखने शुरू कर दिए, जिसमें इंद्रा विष्णु शिवा कृष्णा और इस तरह के बहुत सारे जो है वो गॉड हैं। जब नेचर की बात होगी या नेचर के गॉड होंगे तो फिर तो बहुत सारे होंगे, और यही हुआ थाउजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म में थाउजेंड्स ऑफ गॉड हैं, क्योंकि नेचर में बहुत सारी पूरी जो अर्थ है वो नेचर से भरी हुई है और हर चीज़ एक अपने से डिफरेंट है और एक अपनी क्वालिटी और अपनी कैरेक्टरिस्टिक रखती है, लिहाजा इनके यहाँ थाउजेंड्स ऑफ गॉड हैं, हिंदुइज्म में थाउजेंड्स ऑफ गॉड हैं। अच्छा, यहीं इस वैली से मिला है, जब ये गैंग्स वैली में सेटल डाउन हुए तो यहाँ पे इनकी एक जो रिलीजियस बुक यानी वेदास जो थी लिखी गई, और ये इनकी अपनी लैंग्वेज यानी संस्कृत में लिखी गई। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि दुनिया के इनके सिंबल्स और जो वर्ड्स हैं वो अभी भी दुनिया के बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोले जाते हैं। ये भी एविडेंस मिलता है, जैसे इस तरह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए, इसी तरह से ये यही काज है यूरोप में भी एंटर हुई और अपने साथ यही लैंग्वेज और सिंबल्स को लेके गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो हैं हमें मिलते हैं हिंदुइज्म में और वो आज जर्मन लैंग्वेज में भी बोले जाते हैं और यूरोपियन भी कुछ लैंग्वेजेस है उसमें बोली भी जाती हैं और वो सिंबल्स भी हैं। लेट सपोज जर्मन का एक जो रिलीजियस सिंबल है वो यानी एक ऐसा सिंबल जो कि इस टाइप का है, ये आपको जर्मन का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस सिंबल मिलेगा और हिंदुइज्म में भी ये सिंबल आपको मिलेगा। इट मीन्स कि ये आर्यांस यूरोप में भी गए किसी ज़माने में और सब कॉन्टिनेंट भी आए, तो इनकी लैंग्वेज के जो इफेक्ट्स हैं वो आज तक इन एरियाज पर हैं। इसी तरह एक इनका जो गॉड का एक डिफरेंट वर्ड्स हैं जो अभी तक जो दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोले जाते हैं। लेट सपोज कि पूरा एक चार्ट दिया गया है जो कि डिफरेंट हिंदुइज्म के या हिंदू लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं। लेट सपोज दीवाज, यानी दीवाज जो इनके गॉड का एक नाम है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरह से बोले जाते हैं वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे दीवाज का जो वर्ड बोला जाता है वो है ड्यूस, जो लैटिन में बोला जाता है, फ्रेंच में डीयू और इंग्लिश में डाइकी। इसी तरह इनका एक वर्ड जो फायर के लिए यूज किया जाता है, दैट इज अग्नि, लैटिन में ये लेग्निस और फ्रेंच में इंसिडेल एंड इंग्लिश में इग्नाइट, ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते वर्ड हैं जो कि संस्कृत से निकले हैं। इसी तरह इनमें एक वर्ड फादर के लिए यूज किया जाता है जिसे हम पिता कहते हैं, जो कि यहाँ भी इसी तरह चेंज होके उत्तर या डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे बोला जाता है। इसी तरह ये डिफरेंट वर्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये वर्ड बोला जाता है। तभी लैटिन में ये है पैटर एंड फ्रेंच में ये पियर एंड इंग्लिश में है फादर, ये ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे मिलते हुए वर्ड हैं। इस तरह से पता चलता है कि ये जो है संस्कृत लैंग्वेज ओरिजिनेट हुए हैं। एक और वर्ड जो हम यूज करते ये संस्कृत में यूज किया जाता है, दैट वर्ड इज राजा, राजा मीन्स रूलर या किंग के लिए यूज किया जाता है। हमारी आज तक वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोकल लैंग्वेजेस में ये वर्ड यूज किया जाता है राजा का,
इसी तरह डिफरेंट दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये वर्ड किस तरह बोला जाता है। लैटिन में ये वर्ड रैक्स बोला जाता है, एंड फ्रेंच में रॉय, और इंग्लिश में रीगल या रॉयल का वर्ड यूज किया जाता है, जो कि हमें पता चलता है कि इसी लैंग्वेज से ये ड्राइव हुए हैं सारे वर्ड। तो संस्कृत एक एंशिएंट लैंग्वेज है और ये इसने अपना दुनिया की अपनी लैंग्वेजेस पे जो है वो इम्पैक्ट डाला है। तो इस तरह से आज हमारा जो है एंशिएंट इन्वेडर्स में पहला जो इन्वेडर्स है, जो एंशिएंट इन्वेडर्स एक्चुअली एंशिएंट इन्वेडर्स है इन द सब कॉन्टिनेंट दैट इज आर्यंस, हमने इनके बारे में तब कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन ली कि कैसे आए, वो कैसे लोग थे, किस तरह से उन्होंने इस पीसफुल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, उनकी सुपीरियरिटी क्या क्या थी यहाँ के लोगों पे, और वो अपने साथ हिंदुज़म जो और अपनी लैंग्वेज और कल्चर को लेके आए, उस कल्चर और लैंग्वेज ने किस तरह से यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो सिविलाइजेशन थी उस पर किस तरह से इम्पैक्ट डाला, और फिर ग्रेजुअली वो किस तरह से बहुत बड़े रिलीजन या हिंदुइज़म को प्रमोट करने में कामयाब हुए, और एक आज तक उनकी जो कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है वो आज तक हिंदुइज्म में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब हम अपने लेक्चर के में दूसरे जो एंशिएंट इन्वेडर्स हैं पर्शियन और ग्रीक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। Through history, the territory inside the borders of Pakistan witnessed large civilizations, wars, development, religions, and reforms. In this video, we will advance rapidly through some important events that existed here. Modern humans are thought to have arrived on Pakistan between 73,000 and 55,000 years ago. Settled life, which farming and pastoralism, started around 7000 BC. People worked in agriculture and in domestication of animals like goats, sheep, or cattle. By 4500 BC, settled life had become more widespread, and in time evolved into the Indus Valley Civilization, one of the earliest civilizations. Indus Valley Civilization, as well as ancient Egypt or Mesopotamia, was noted for developing new techniques in handicraft, metallurgy, development. It's believed to be the first civilization to use wheeled transport in the form of bullock carts, and also used boats. The route which traversed the Indus Valley, linking the Central Asia, the Indian subcontinent, and the Orient, have attracted people from far places. In the beginning of the second millennium BC, climate change, with persistent drought, led to the abandonment of the urban centers of the Indus Valley civilization. Its population resettled in smaller villages and mixed with Indo-Aryan tribes, who moved into other areas of the Indian subcontinent in several waves of migration, also driven by the effects of this climate change. The Vedic period, 1500 to 500 BC. As Indo-Aryans migrated and settled into the Indus Valley, along with them came their distinctive religious traditions and practices which fused with local culture. The initial early Vedic culture was a tribal, pastoral society centered in the Indus Valley of what is today Pakistan. During this period, the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism, were composed. The Vedic tribes remained in the Indus Valley by 6th century BC. These tribes fought against one another and were vulnerable against possible outsiders or invasions.